माइनक्राफ्ट का 1.20 अपडेट फाइनली आने वाला है, बट आज हम इसी वाली वीडियो में देखने वाले 1.20 के सबसे एपिक फीचर्स, जैसे आज हम डेजर्ट में जाके कैमल्स को देखने वाले हैं एंड इवन न्यू बैम्बो वाली बोट भी चला के देखेंगे एंड माइनक्राफ्ट में जो नया मॉब स्नीपर आने वाला है उसको भी आज हम जाके देखेंगे। मतलब बहुत ज्यादा एपिक वीडियो होने वाली है, आप बस जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दो, एक वीडियो से 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए। एंड सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे 1.20 का एकदम फ्रेश वर्ल्ड एंड इसको हम क्रिएटिव ही रख लेते हैं, जल्दी से लोड हो जा। एंड ये आ चुके हम 1.20 एकदम फ्रेश और एकदम न्यू वर्ल्ड में, लेकिन यहाँ पे शेडर काम क्यों नहीं कर रहा है? चलो गाइस इतना तो आप एडजस्ट कर ही सकते हो। एंड यहाँ से हम जाने वाले हैं भाई अपने डेजर्ट वाली बायोम में, बट यहाँ पे आने पे मेरे को कुछ लग नहीं रहा यार फर्क, वही पुरानी यहाँ पे सैंड है, वही ये चुभने वाले कैक्टस है, कोई भी मॉब नहीं घूम रहा है यहाँ पे। एक काम करते हैं कैमल, हमें यहाँ पे खुद से स्पॉन करवाना पड़ेगा। अरे भाई साहब ये कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, एकदम ही रियल कैमल लग रहा है, और इसकी हाइट देखो जरा तुम, हमसे भी डबल है ये तो। एंड क्या हम इसके ऊपर, अरे भाई इसके ऊपर बैठ भी सकते हैं, बट ये कंट्रोल नहीं हो रहा, लगता है सैडल लगाना पड़ेगा। एंड सैडल लगाने के बाद तो भाई एकदम ही ज्यादा एपिक लग रहा है ये। एंड इसके ऊपर अब हम बैठ के इस डेजर्ट की मस्त वाली सफारी भी कर सकते हैं भाई, कुछ ज्यादा ही ऊंचा बैठ गया ऐसा लग रहा है मैं। और ऊपर से इसकी स्पीड देखो जरा तुम, क्या ही मस्त भाग रहा है ये पूरे डेजर्ट के अंदर। भाई सुनसान डेजर्ट में कैमल को भगाने का अलग ही मजा है। एंड अगर इसमें कैमल की फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आप इसकी देख सकते हैं, पीछे छोटी सी पूंछ है और ये अपने कान भी हिलाता है, साइड में इसकी दो दो आंखें हैं एंड इवन इसके ऊपर तगड़ा सा हंप भी है जिससे पता चलता है ये एकदम तगड़ा वाला कैमल है। एंड मेरे हिसाब से 1 मिनट रुक जाओ, ये बैठ भी जाता है यार। अरे भाई ये कितना ज्यादा ही एपिक लग रहा है भाई, मेरे को सीरियसली नहीं लगा था कि माइनक्राफ्ट में कभी कैमल डाला जाएगा। पिछले वाले अपडेट में भाई गोट डाल दी थी तब मैं शॉक हो गया था, लेकिन कैमल भाई सीरियसली बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड इसको देख के मेरे को नहीं लग रहा कोई हॉर्स को पूछने वाला भी है बेचारा हॉर्स। बट फिलहाल अगर हम कैमल की बात करें तो ये सिर्फ यहाँ पे डेजर्ट वाली बायो में स्पॉन होगा एंड यहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ एक ही कैमल दिख रहा है वो वाला, मतलब ये होने वाला बिल्कुल एकदम रेयर प्राणी। और सबसे ज्यादा तगड़ी चीज तो मैं बताने ही भूल गया, इसके ऊपर भाई 2 प्लेयर एक साथ बैठ सकते हैं। एंड इसकी सबसे ज्यादा तगड़ी चीज भाई इसकी जंप है भाई, पहले से इतना ज्यादा लंबा है, इसकी इतनी ज्यादा तगड़ी स्पीड है तो ये जंप भाई एकदम नेक्स्ट लेवल वाली मारता है। जैसे कि मान लो सामने आपको रविन दिख रही है ना, सिंपल उसके पास जाता है और ये देखो भाई तगड़ी वाले एकदम जंप मार दिया, पूरी रविन पार कर दी यार इसने। अब मेरे को यार सच में हॉर्स के लिए बुरा लग रहा है, इसको कोई यूज नहीं करने वाला। एंड एक और चीज मैं आपको कैमल के बारे में बता दूं यार, इसकी हाइट के बारे में इतनी ज्यादा तारीफ कर ली है, लेकिन हाइट का भाई एक्चुअल में फायदा भी है। यहाँ पे मैं यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बी स्पॉन कर देता हूँ, अरे यार ये ज़ॉम्बीज तो जल जाते हैं दिन में, तो यहाँ पे मैंने काफी सारे हस्क यहाँ पे स्पॉन कर दिए। एंड जैसे मैं कैमल लेकिन इनके पास जाता हूँ तो ये तो मेरे को भाई अटैक ही नहीं कर पाएंगे एंड मैं इनको इजिली खत्म कर सकता हूँ। एंड ये चीज हम हॉर्स के साथ करते हैं तो भाई हमें पेलने लग जाते हैं ये ज़ॉम्बीज। एंड हॉर्स हमारे यहाँ पे वीट खाता है आपको पता ही होगा, लेकिन भाई यहाँ पे अपने कैमल के कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आप डेजर्ट में आते हो तो यहाँ से कैक्टस उठाओ और उसको खिला दो, भाई कोई कैक्टस कैसे खा सकता है। एंड इवन आप इसको कैक्टस से ब्रीड भी कर सकते हो और ये फिर छोटे छोटे कैमल्स आ जाएंगे जो कि दिखने में भाई और ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। इसी कैमल के ऊपर आप बैठ के पूरे डेजर्ट की सफारी कर सकते हो, कोई ज़ॉम्बी आएगा तो आपको पेल ही नहीं पाएगा, इवन कोई रविन आएगी तो सीधा आप जंप मार सकते हो। एंड स्पीड तो भाई इसकी बहुत ज्यादा बढ़िया है, अब मेरे को नहीं लग रहा ज्यादा प्लेयर हॉर्स को यूज भी करने वाले हैं, बेचारे के लिए एक लाइक हो जाए। एंड इसी कैमल पे बैठ के हम निकलते हैं भाई जंगल के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज्यादा मस्त चीजें आई है। 1 मिनट इस वीडियो को मैं यहीं पे पॉज करता हूँ एंड मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जहाँ पर इंडिया के 70 लाख प्लस यूजर खेल भी रहे हैं, पैसा भी अर्न कर रहे हैं, www.lotus365.com। यहाँ आपको सिंपल प्रेडिक्शन करना होता है कि क्रिकेट मैच कौन सी टीम जीतेगी, फुटबॉल में कौन सी टीम गोल मारेगी एंड इसमें से मैं ड्रैगन टाइगर खेलता हूँ जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। हमें बताना है कि ड्रैगन साइड अच्छे कार्ड्स आएंगे या टाइगर साइड अच्छे कार्ड्स आएंगे, इसमें मैंने अच्छे पैसे बनाए सीरियसली। एंड अकाउंट बनाना तो काफी ज्यादा सिंपल है, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ पे रजिस्टर करो और ₹365 का फ्री बोनस लो। Lotus365 World ये इंस्टाग्राम यूजर पे जाके फॉलो करो और देखो कितने बड़े सेलिब्रिटी इस ऐप का प्रमोशन करते हैं, ये एकदम सेफ एंड जेन्युइन ऐप है। Lotus365 देता है आपको 24 आवर्स इंस्टेंट विड्रॉल एंड विड्रॉल टाइम कोई भी आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। तो वेट किस चीज का कर रहे हो, 70 लाख से ऊपर लोग यहाँ पे खेल रहे हैं एंड कमा रहे हैं और आप बस देख रहे हो, जाओ फटाफट। तो अभी हम चलते हैं सीधा जंगल वाली बायोम में, बट जंगल वाली बायोम यार इतनी भी इजीली नहीं मिलती है। एक काम करते हैं इस कैमल को हम यहीं पे खड़े कर देते हैं एंड इसको बाय बाय कर देते हैं। एंड अभी हम चलते हैं सीधा मैजिक से जंगल के अंदर। ओके भाई अभी मैं जंगल के अंदर तो सीधा आ चुका हूँ एंड यहाँ पे तो भाई कुछ ज्यादा ही हरियाली है, मुझे कैमल को यहीं पे लेके आ जाना चाहिए था, बेचारा कब से वो वहाँ पे कैक्टस खा रहा है। एंड जंगल के अंदर आते के साथ आपको यहाँ पे हरियाली तो दिखती है, उसके साथ यहाँ पे आपको काफी सारे पैरट्स दिखते हैं एंड सबसे मेन ये बैम्बू यहाँ पे काफी सारे रहते हैं जिनको तोड़ने में तो भाई अलग ही मजा आता है। बट यार इन बैम्बूस का ज्यादा यूज नहीं, आप स्काफोल्डिंग बना सकते हो उनसे या फिर पेंडो को खिला सकते हो, बट 1.20 में अगर आप बैम्बूस को तोड़ते हो और उनको क्राफ्टिंग टेबल में डालते हो तो आपको काफी सारी चीजें दिखती है। अब आप इन बैम्बूस से यार प्लैंक्स बना सकते हो, स्टेयर बना सकते हो, इवन फेंस भी बना सकते हो और इन प्लैंक्स से जो आप घर बनाते हो वो तो काफी ज्यादा यूनिक दिखता है। बट सबसे मेन चीज है ये राफ्ट जिसको आप सीधा पानी के अंदर लेके जा सकते हो
हो एंड ये बिल्कुल बोट की तरह वर्क करती है एंड दिखने में भाई एकदम एपिक है ये। तो ये राफ्ट बेसिकली बिल्कुल बोट की तरह ही है। ये देखो नॉर्मल बोट अपनी बिल्कुल ऐसी दिखती है एंड इसको हम मस्त ऐसा पानी के अंदर लेके जा सकते हैं। राफ्ट की यहाँ पे साइड वाली चीजें गायब है लेकिन फिर भी हम इसको पानी के अंदर लेके जा सकते हैं एंड बोट को तो आपको पता ही हम आइस के ऊपर स्केट भी कर सकते हैं। तो राफ्ट को हम यहाँ पे लेते हैं एंड इसको भी इजिली हम यहाँ पे स्केट कर पा रहे हैं। बट जैसे कि आपको पता है माइनक्राफ्ट में अभी ऑलरेडी काफी सारी बोट है एंड इवन ये बोट के अंदर चेस्ट कब से रखने लग गए। अरे ये फीचर तो कब का रखा, मैं ही डमरू हूँ। तो मेरे हिसाब से राफ्ट के अंदर भी हम ऐसा चेस्ट रख सकते हैं। अरे भाई ये तो एकदम एपिक लग रही है एंड इसके अंदर आप अपनी मस्त वाली चीजें यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इस राफ्ट में यार फिशिंग करने में अलग ही मजा आएगा। मस्त इस पे ऐसा खड़े हो जाओ, जैसे कोई फिश आए उसको पकड़ लो और सीधा चेस्ट के अंदर डाल दो। बाकी यार बैम्बू वगैरह का अपडेट मेरे को काफी ज्यादा तगड़ा लगा एंड अभी हम चलते हैं माइनक्राफ्ट के तीनों न्यू मॉब्स देखने के लिए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे दूर जाना पड़ेगा। एक काम करते अपनी राफ्ट के अंदर ही चल लेते हैं। ये राफ्ट यार है तो काफी ज्यादा तगड़ी, भाग भी एकदम मस्त वाली रही है, मेरे को बोट से ज्यादा स्पीड लग रही है इसकी। एंड हमें एक विलेज के अंदर जाना है और वहीं पे हमें तीनों के तीनों मॉब मिल जाएंगे। एंड फाइनली हम इस विलेज के बिल्कुल पास में आ चुके हैं एंड ये देखो भाई विलेज कुछ ज्यादा ही मस्त सा लग रहा है। बट 1.20 में विलेज के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया है। तो ये है हमारे यहाँ पे नए वाले मॉब्स जो कि यार काफी ज्यादा तगड़े होने वाले हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं हम यहाँ पे सबसे ऊपर वाला लेते हैं एंड इसमें से हमारा स्नीफर निकलेगा। कोई एकदम मस्त सी जगह ढूंढते हैं यहाँ पे। हाँ ये एकदम मस्त जगह है, यहाँ पे एकदम खाली खाली सा भी है। तो गाइस स्नीफर को मैंने अभी तक माइनक्राफ्ट में कभी नहीं देखा है, ये पहली बार होगा। चलो इसको स्पॉन कर लेते हैं यहाँ पे। और भाई ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है और कितना ज्यादा मस्त और क्यूट दिख रहा है ये। एंड ये क्या कर रहा है भाई, सूंघ क्यों रहा है ये? मेरे को लगता है आज माइनक्राफ्ट के प्लेयर ने नहाया ही नहीं है। तो स्नीफर माइनक्राफ्ट का बिल्कुल एकदम न्यू मॉब होने वाला है। ये आपको कहीं ओवरवर्ल्ड में स्पॉन वगैरह होता हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि इसके लिए आपको एक यहाँ पे नया एग मिलेगा जिसको आप सिल्क टच यूज करके तोड़ भी सकते हैं। एंड जब ये एग हैच होगा इसमें से निकलेगा एकदम प्यारा सा और क्यूट सा बेबी स्नीफर। एंड इस स्नीफर को भाई चीजों को सूंघना कुछ ज्यादा ही पसंद है। अगर आप कोई भी फूल तोड़ के इसके सामने जाते हो तो बिल्कुल आपके पीछे पीछे आ जाता है। इसको फूल पौधे और हरियाली बहुत ज्यादा पसंद है एंड इसलिए ये जब भी सूंघता है तो आपके लिए नया सीड भी देता है आपको फ्री में। एंड आई गेस हम इसको टेम तो नहीं कर सकते हैं। बाकी यार इसको साइज देखो तुम कितना ज्यादा बड़ा है। ये यहाँ पे आयरन गोलम है और यहाँ पे मैंने वार्डन भी खड़ा कर दिया है, लेकिन ये देखो जरा स्नीफर को कुछ ज्यादा ही बड़ा है ये तो। ये क्या कर दिया भाई इसने, एक बेचारे स्नीफर के लिए लाइक तो बनता है। ये वार्डन तो भाई एकदम पागल हो चुका है। आयरन गोलम भी इसको कुछ नहीं कह रहा एंड आयरन गोलम से मेरे को याद आया नेक्स्ट वाले मॉब का नाम होने वाला टफ गोलम एंड उसका स्पॉन हो घेरा और ये वाला मॉब वोट में जीत भी नहीं पाया था बेचारा। बट कोई नहीं, हम इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसा दिखता है ये। एंड यहाँ पे हम इसको स्पॉन करते हैं और ये कुछ ज्यादा से छोटा नहीं है एंड इसने ऐसे मस्त कपड़े भी पहन रखे हैं। बट आप सोचो कि भाई इतना छोटा सा गोलम आखिर करता क्या है। माइनक्राफ्ट में आपने यार आइटम फ्रेम तो जरूर देखी होगी जिसमें आप अपना ऐसा मस्त सा मान शोकेस करते हैं। बट ये एकदम यार पुराना तरीका हो चुका है मिली अपने टफ आयरन गोलम से। अगर आपको कोई भी चीज शो ऑफ करनी है, जैसे कि मेरे पास सिंपल तगड़ा सा एमरल्ड है, तो टफ गोलम के पास मैं जाऊंगा और उसको दे दूंगा। अब ये पूरे दिन स्टैचू बनके मेरा एमरल्ड लेके खड़ा रहेगा और दिखने में तो भाई एकदम एपिक लग रहा है ये। बट ये कहीं मेरा एमरल्ड चुरा ना ले जाए। एंड सिर्फ एमरल्ड ही नहीं, माइनक्राफ्ट का कोई भी ब्लॉक इसको पकड़ा दो। जैसे इस वाले को हम डायमंड पकड़ा देते हैं एंड राइट वाले को गोल्ड पकड़ा देते हैं और इसको तो मैं सीधा एक स्वॉर्ड ही पकड़ा देता हूं। एंड अब आपके चलते फिरते आइटम फ्रेम्स बिल्कुल रेडी है एंड इनको आप ऐसा मस्त रोटेट भी कर सकते हो। एंड शोकेस के अलावा इन गोलम्स का कुछ भी काम नहीं है, लिटरली फालतू एकदम ये। बट नेक्स्ट वाला जो मैं आपको मॉब दिखाने वाला हूं वो काफी ज्यादा एपिक है एंड ये रहा अपना लास्ट वाला स्पॉन एग। एंड सैडली ये वाला मॉब भी यार अपना वोट नहीं जीत पाया था। कोई नहीं, इसको भी हम यहाँ पे स्पॉन कर लेते हैं। ओह ये तो बहुत ज्यादा ही मस्त है, थोड़ा चोर जैसा दिख रहा है ये। एंड इसके पास भाई एक मस्त झोला भी है। एंड हाँ इस मॉब का नाम रास्कल है, मैं बताना ही भूल गया। एंड जैसे इसके सामने आप सर्वाइवल में जाते हो तो आपको देखकर ये सीधा भाग जाता है बहुत तेज और ये जाकर छुपने की कोशिश करता है। एंड जब इसको हम जाके पकड़ लेते तो भाई ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये वाला मॉब मेरे को अभी तक का सबसे ज्यादा ही मस्त लगा है। ये रास्कल मॉब आपको वैसे तो ओवरवर्ल्ड में ही मिल जाएगा, बट आपको ऐसा केव के अंदर जाना पड़ेगा इसको ढूंढने के लिए। बट आप सोचोगे इसको कौन ही ढूंढेगा, ये जाके छुप जाता है एंड इसमें क्या ही मजा आएगा एंड क्या ही फायदा होगा हमारा। मैं बताता हूँ ना भाई ये कितना ज्यादा एपिक मॉब है। तो सबसे पहले काम करते इसको हम छुपने देते हैं। वो देखो वहाँ पे जाके कैसे छुप रखा है ये, इसको लग रहा है हम इसको देख ही नहीं पा रहे हैं। एंड जैसे ही हम इसको ढूंढते हैं भाई ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड फिर से भागता है और जाके छुप जाता है ये। एंड इस बार देखो कहाँ छुपा है, थोड़ा सा यार दूर जाके छुपना चाहिए इसको। एंड अब ये फिर से भागते हुआ जाएगा और छुप जाएगा। एंड जैसे इसको हम थर्ड टाइम ढूंढ लेते हैं तो अपने झोले में से ये मस्ती चीज निकाल के हमें दे देता है। भाई बड़ा ही वियर्ड सा मॉब है ये, लेकिन बहुत ज्यादा मस्त है, फ्री का सामान भी तो दे रहा है। मैंने अभी तक आपको तीन मॉब दिखाया लेकिन उसमें से एक ही
आने वाला है ये स्नीफर, क्योंकि ये वाला मॉब ही वोट जीता था। एंड इसके अलावा 1.20 में भाई हैंगिंग साइंस भी आने वाले हैं, मतलब पहले जो साइन हम ऐसे रख देते थे अब उनको हम मस्त वाला लटका भी सकते हैं। एंड इवन यहाँ पे एक नई चीज भी देखने के लिए मिलती है जो कि है ये बंडल, ये ऐसा मस्त थैला जैसा दिखता है और इसके अंदर आप अपने मस्त डायमंड वायमंड कैरी कर सकते हो। बाकी आपको इनमें से कौन सा अपडेट ज्यादा अच्छा लगा मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इसी के साथ इस वाली वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी तो यार लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब कर देना। एंड मुझे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने माइनक्राफ्ट के अंदर चैलेंजेस दिए थे, वो वाले आपको वीडियो देखने तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो।